सकते हैं। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना, और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया है। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना, और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना, और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया है। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो